देखो 180 गज का मकान है और रात में सामान आ रहा है जिसको उठाएंगे। 12:30 बज रहे हैं अब, ये गाड़ी में सामान ना लग रहा है चोरी चोरी उठाएंगे इस मकान को, परमिशन भी नहीं ली है बिना परमिशन के। चलो देखते हैं, नींद भी हराम कर दी इन्होंने, अब तो सोया भी नहीं जाएगा ऐसे में क्योंकि खतरा है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक जानकारी देना चाहूँगी कि मतलब मैं जो भी मेरे YouTube फैमिली वाले हैं वो सब इस बात को सुनो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मेरा मकान है 2 मंजिल बना हुआ, उसमें कोई पिलर नहीं है, तो अगर जो कॉलम बने हुए होते हैं तो उससे जो ना वो हो जाता है, मतलब मकान मजबूत होता है, लेकिन कॉलम नहीं है, 4 इंची की दीवार है, 2 मंजिल बना हुआ है, तो उसमें क्या है उसका, हमारे बराबर में एक मकान है 180 गज में, तो वो मकान उठा रहे थे जेको द्वारा, हमने मना करा कि नहीं, तो वो नहीं माने। जो ना रात चोरी चोरी 1 बजे सामान आ गया, जैक, काफ़ी सारे जैक, मतलब जो भी सामान होता है तो वो सब सामान आ गया उसको मकान को उठाने के लिए, और हमने उनसे मना करा, नहीं माने। सुबह थोड़ा सा कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कहा, तो थोड़ा सा कुछ बात भी हो गई थी आपस में, मतलब ज़्यादा वैसे लड़ाई नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा मतलब हम मना कर रहे थे, वो कह रहे थे हम इसको उठाएंगे, तो मैंने और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं 4-5 लोग हैं, 6-7 हो गए थे जिनके मकान आ रहे हैं, उन सभी लोगों ने बैठ के मशवरा करा, उन्होंने कहा कि मुँह भाषा मत करो, लड़ाई मत करो, हैं चलो कानूनी कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों के पास चलेंगे, वहाँ कहेंगे कि भाई हम लोग सब परेशान हैं, एक आदमी ने ही मिलके हमें इतना परेशान कर रखा है कि वो किसी की भी बिल्कुल नहीं सुन रहा, वो कह रहा है मैं तो अपना मकान ही उठाऊँगा, वो सही से बात करने को भी तैयार नहीं है, और गुस्सा ही गुस्सा दिखा रहा है कि मतलब तुम क्यों हमें मना कर रही हो, जब तुम भाई तुम तो अपना मकान उठाओगे लेकिन नुकसान तो हमारा होगा ना, तो हम क्यों अपना नुकसान कर लें भाई तेरे चक्कर में। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन, मतलब सब लोगों के मशवरे से एक एप्लीकेशन, हम लोगों में से ही 2-3 लोग गए कचहरी, वो एक अच्छे से वकील से एक एप्लीकेशन बनवाई और वो एप्लीकेशन अधिकारी को दी, तो जब अधिकारी को एप्लीकेशन दी तो आधी तो सुनवाई जब ही हो गई, उन्होंने जो ना जहाँ को भी करा, मुझे नहीं पता कहाँ को करा होगा, लेकिन फ़ौरन ही अधिकारी ने कॉल करी और उसे एप्लीकेशन पर कुछ आदेश भी करा है, तो शुक्रिया उन अधिकारियों का जिन्होंने एप्लीकेशन पर सुनवाई करी, और इस चीज़ से तो लगता है कि हाँ मतलब कानूनी कार्रवाई जो अच्छी चल रही है, और मतलब जो लोग परेशान हैं उन लोगों की सुनवाई भी होती है, इस चीज़ से ये भी मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता, तो वो जो है अधिकारियों ने मना करा है, उसके बाद में उन्होंने अभी भी हम लोगों को इकट्ठा करके हमसे बहुत लड़ाई करी है, और लड़ाई करने के बाद में उन्होंने हमें धमकी भी दी है कि मतलब देखें भला तुम कैसे रोक लोगे, हमने कहा भाई हम नहीं रोक रहे, आप अपना मकान तोड़ के बना लो, हम क्यों रोकेंगे, हमें क्या परेशानी है जो हम तुझे रोकेंगे, भाई हमारा तो ये कहना है कि अगर तुम मकान उठाओगे तो हमारे मकान में नुकसान होगा, तो उसे कौन झेलेगा, हमारे बस की नहीं है नुकसान झेलना, हमने कहा अधिकारियों से परमिशन लो और मकान उठा लो, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन जो चारों तरफ से बंद होता है, दबा हुआ होता है, उसकी परमिशन नहीं मिलती, जो बसापत में होता है अंदर कॉलोनी में उसकी परमिशन मिलती ही नहीं है, तो अब जो है फाइनल ये डिसीजन हुआ है कि सब लोगों ने ही कह दिया कि भाई हम नहीं उठान देंगे, और अगर अभी हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम कल सब मिलकर दोबारा से कहीं आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालेंगे और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे, और मतलब हम जो है चुप नहीं बैठेंगे और हम अपने मकानों में नुकसान नहीं होने देंगे, तो इस अब उन लोगों को लगा कि हाँ भाई बेहतर है कि मतलब ज़बरदस्ती मत उठाओ, तो वो सामान वापस जा रहा है, जो ठेकेदार होते हैं वो ठेकेदार जो सामान लाते हैं वो सामान अब गाड़ी में भर रहे हैं और वो वापस ले जा रहे हैं, थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ भाई चलो, रात को खतरा था कि हमें ये था कि रात को ही शुरू ना कर दें, और रात हम कल रात हम पूरी रात नहीं सोए और पूरे दिन भाग दौड़ में रहे, और अब भी ये था मतलब दिमाग में टेंशन कि ऐसा ना हो कभी ये रात में ही छेड़ दें और हम घर में सो रहे हैं और पता चले कि कोई नुकसान हो गया है, इतने परेशान थे, लेकिन अब सामान वापस जा रहा, थोड़ा सा सुकून मिला है, तसल्ली हुई है थोड़ी सी, लेकिन हाँ मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि आज ही एप्लीकेशन दी और आज ही इतनी सुनवाई हो गई कि जो मकान उठाने के लिए नहीं मान रहा था, वो कह रहा था, बहस कर रहा था कि मैं तो उठाऊंगा ही, और मतलब एक ही दिन में इतनी सुनवाई हो गई कि उसको आखिरकार कानूनी हिसाब से मानना पड़ा,
और वो मान गया, मतलब अब नहीं उठेगा मकान, अधिकारियों ने रुकवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन अधिकारियों का जिन्होंने भी ये रोका है, और थोड़ा सा हमें भी राहत की सांस मिली है कि हाँ भाई अब हम सो सकते हैं, हम सो जाएंगे, क्योंकि अब हमें ये डर नहीं है कि वो रात में मकान उठवाएंगे या कोई नुकसान हो जाएगा। जब सामान वापस जा रहा है, जो सामान जिस सामान से वो उठता मकान, जो जैक होते हैं, वो वापस जा रहा है अब, तो अब हम सो सकते हैं आराम से। तो हमने जो कार्रवाई करी वो सही करी या गलत करी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। ये गाड़ी में जैक, जैक जो मकान उठता है, मकान उठने के लिए जो जैक और सामान आया था वो सब गाड़ी में वापस।